अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब जी? खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे थे अपने दोस्तों से। किसके बारे में? पालतू जानवर के बारे में और जंगली जानवर के बारे में। अच्छा, क्या डिस्कस कर रहे थे भाई कि अब आपने कौन से जानवर पालने हैं घर पे? अच्छा हाँ, कहीं ऐसा ना हो ना कि आप कहें कि भाई मुझे कोई जंगली जानवर पालना है, फिर तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, है ना? तो हम जो हैं कोई पालतू जानवर जो है पाल सकते हैं। पालतू जानवर कौन कौन से होते हैं? हाँ, पालतू जानवर होते हैं बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, बकरी, गाय, तोता। हाँ, इस तरह से बहुत से जानवर होते हैं जो पालतू जानवर होते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, जिनको हम अपने घर में पाल सकते हैं, है ना? अच्छा जी जनाब, ये बताइए कि कभी आपने कोई जानवर अपने घर में पाला है? मैंने तो पाले हैं भाई। मैंने एक दफ़ा तोते पाले थे, हाँ तोते पाले, और चूज़े भी पाले थे। वो छोटे छोटे से रंग बिरंगे चूज़े बहुत अच्छे लगते हैं ना, आप लोगों को अच्छे लगते हैं? हाँ, और बकरी, बकरी पे बकरे आ जाते हैं, गाय आ जाती है। लेकिन एक बात है कि जब हम इन जानवरों को पालते हैं तो एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें इनका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, इनके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं हो कि हम इन्हें खाना नहीं दे रहे, पीना नहीं दे रहे, पानी भी नहीं दे रहे, क्योंकि ये लोग तो मांग नहीं सकते, है ना? लेकिन हमें इनका खुद ख्याल रखना चाहिए और उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि हम इनकी दुम खींच रहे हैं, इन्हें पकड़ के यहाँ से वहाँ फेंक रहे हैं, ऐसे नहीं करते ना। क्या आप लोग ऐसे करते हैं? नहीं करते। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। लेकिन आप अगर किसी दूसरे को देखते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, अपने पालतू जानवर को तंग कर रहा है, उनका ख्याल नहीं रख रहा है, तो आप उन्हें बताइएगा कि इनका ख्याल रखना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए, है ना? चलें जी, वेरी गुड। अब ये बताइए, बातें तो हमने कर ली हैं, हम काम क्या कर रहे थे और कौन से चैप्टर पे थे? जी जनाब, हम थे अपने बाब नंबर 8 पे, जिसका नाम था मैं। कौन सा नाम था भाई? मैं तुम्हें खा जाऊंगा, है ना? मैं तुम्हें खा जाऊंगा, क्योंकि ये थे जंगली जानवर। हाँ, इसमें लोमड़ जो है वो जंगली जानवर था और मुर्गा पालतू जानवर। हाँ अच्छा जनाब, हमने इसकी काफ़ी मशक कर ली है, है ना? काफ़ी मशक हमने करी है इसकी, हमने प्रैक्टिस भी कर ली है। आज हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे? हम अपनी किताब निकालेंगे, उर्दू सिलसिला साल अव्वल की सफ़ा नंबर हमारा 60 यहाँ खुल गया है, और यहाँ हम देखते हैं कि हमें क्या कहा जा रहा है। हमारी आज की जो मशक है वो है तख्लीकी लिखाई। तख्लीकी लिखाई यानी कि हमें ख़ुद से लिखना है। बड़े मज़े की एक्टिविटी होती है कि हम खुद से लिखते हैं, खुद से सोचते हैं, है ना? खुद से जुमले बनाते हैं। हाँ हाँ, हम आपस में मिल के बनाते हैं। इसमें लिखा हुआ है, अपने पसंदीदा जानवर की तस्वीर लगाइए और उसके मुताल्लिक 5 जुमले लिखें। जी आप ये बताइए, कभी आपने अपने घर में कोई जानवर पाला है तो उसकी क्या खसूसियात थी, कैसा था वो, कैसा दिखता था, क्या करते थे आप उसके साथ में, ये सारी बातें आपने यहाँ लिखनी है। और अगर आपने कोई जानवर नहीं पाला है अभी तक, लेकिन आप पालना चाहते हैं कि भाई मुझे खरगोश अच्छा लगता है, मैं उसे पालना चाहूँगा, कि मुझे जब भी मौका मिला तो मैं कोई खरगोश ले लूँगा और उसे पालूँगा, या मैं कोई बिल्ली ले लूँगी और उसे पालूँगी, है ना? तो ऐसे सोचें भाई कि आपको कोई ऐसा जानवर, ऐसा पालतू जानवर जिसे आप पालना चाहते हैं, या आप पाल रहे हैं, या आपने पाला हो, उसकी खसूसियात लिखनी है, उनके बारे में लिखना है।
मैं ऐसा करती हूँ कि आज अपनी बिल्ली के बारे में लिखती हूँ। हाँ, मेरे पास एक बिल्ली है, बहुत प्यारी सी बिल्ली है, तो मैं अपनी बिल्ली के बारे में यहाँ लिखूँगी। आपने क्या करना है, आप चाहें तो आप भी मेरी बिल्ली के बारे में लिख सकते हैं, चाहें तो आपके पास जो जानवर है जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं अपने पेरेंट्स की मदद से लिखिएगा और फिर उसकी तस्वीर लगा दीजिएगा यहाँ दायरे में, तस्वीर लगा दीजिएगा। ठीक है, चलें जी, मैं आज लिख रही हूँ अपनी जी बिल्ली के बारे में। पहले हम सोचते ये हैं कि बिल्ली कैसी थी, उसकी क्या क्या खसूसियात थी। तो आप क्या करें, किसी भी रफ कॉपी में बना सकते हैं या फिर आप सोच सकते हैं इस वीडियो को देख देख के इसकी खसूसियात के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि आज हम लिख रहे हैं बिल्ली के बारे में, मेरी बिल्ली है ना, देखें बिल्ली के बारे में हमने लिखना शुरू करा। मेरी बिल्ली का जो रंग है ना वो क्या है भाई, वो काली है। मेरी बिल्ली कैसी है, काली काली काली। और मेरी बिल्ली जो है वो क्या है, वो जंगली जानवर है या पालतू जानवर है। जी बिल्कुल, पालतू जानवर है, तो वो पालतू जानवर हो गई, हमने यहाँ पालतू लिख दिया। अच्छा भाई, मेरी बिल्ली क्या पीती है, मेरी बिल्ली दूध पीती है। हाँ, मैं उसे सुबह शाम दूध देती हूँ, प्याले में, छोटे से प्याले में उसे दूध देती हूँ। अच्छा जी, और मेरी बिल्ली के जो हैं वो छोटे छोटे से दो बच्चे भी हैं, प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बिल्ली के बच्चे भी हैं। और भाई मेरी बिल्ली की एक दुम भी है, हाँ दुम भी तो है मेरी बिल्ली की। और क्या है भाई, मेरी बिल्ली की और क्या खसूसियात हैं, हाँ वो म्याऊं म्याऊं करती है। हाँ, जब मैं उसे नज़र नहीं आती हूँ, मैं कहीं चली जाती हूँ तो वो मुझे तलाश करती है। हाँ, म्याऊं 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 कर रही होती है तो वो करती है म्याऊं म्याऊं। और भाई वो मेरे साथ खेलती भी है, हाँ खेलती भी है। और पता है मैंने उसका ना छोटा सा घर बनाया हुआ है, हाँ डब्बे के अंदर बहुत सा खूबसूरत सा छोटा सा घर बनाया हुआ है, जहाँ वो रहती है जाके, हर जगह नहीं सो जाती, वहाँ जाके रहती है, है ना। तो इस तरह से मैंने अपने यहाँ पे कुछ वर्ड्स निकाल लिए हैं कि वो जो है बिल्ली काली है, पालतू है, दूध पीती है, उसके बच्चे हैं, दुम है, म्याऊं म्याऊं करती है, हमारे साथ खेलती है और एक घर में रहती है। अब आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है, इस वर्ड इन वर्ड जो हमने अल्फाज निकाले हैं इनके मुतालिक और कोई जुमले बनाने हैं, खुद से सोचने हैं कि भाई और बिल्ली की क्या खसूसियात हो सकती है। आपने सोचना है, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है, अपने टीचर को वॉइस नोट भेजना है कि बिल्ली से मुतालिक आपके पास क्या जुमले हैं। कल हम बनाएंगे इससे मुतालिक जुमले, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।